नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। चलिए जानते हैं बिहार के किन किन जिलों में अभी बाढ़ की स्थिति क्या है। सबसे ज़्यादा गंगा ने तबाही मचाई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक गंगा के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है, जिससे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन बिहार के 15 जिले अभी बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश में इन प्रभावित जिलों में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, मुंगेर, समस्तीपुर एवं कटिहार का नाम शामिल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरकार ने बताया है कि 89 प्रखंडों के 620 पंचायत प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा पूरे राज्य में वर्तमान समय में प्रभावित गांवों की संख्या करीब 1903 है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जानकारी को साझा करते हुए यह भी बताया है कि इस समय करीब 1903 गांवों में करीब 24,38,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कुल 46,122 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। करीब 2.5 लाख से अधिक लोग सामुदायिक किचन में खाना खा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य ने NDRF की 10 टीमों को तैनात किया है, जबकि NDRF की 9 टीम प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किसी भी हालात से निपटने के लिए अलर्ट मोड में हैं। इधर अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में भागलपुर और खगड़िया जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। वहीं बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। सर्वेक्षण कर वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों की हुई क्षति का ठीक से आकलन कराएं, स्थिति पर नजर बनाए रखें, राहत और बचाव कार्य तेजी से करें ताकि लोगों को त्वरित सहायता हो सके। इस बीच आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिले के पश्चिमी दक्षिणी इलाके में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। कोसी नदी का पानी घरों में घुस गया है। जिले के रुपौली प्रखंड के कई पंचायतों में तबाही का नजारा है। बाढ़ पर हम आपको लगातार नए नए अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अब इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। शुक्रिया।